फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको हार्ट शेप नेक डिज़ाइन बना कर बताऊँगी, जो कि बैक का है, पीछे का। तो उसके लिए ये हमने पेस्टिंग लिया है, बकड़म लिया है। अब इसकी नाप कर लेते हैं। तो हमने 6.4 इंचेज का एक बकड़म लिया है लंबाई, और 6.6 इंचेज चौड़ी एक बकड़म लिया है। इसी में हम हार्ट शेप बनाएंगे। तो उसके लिए हम इसको पहले डबल करेंगे। डबल करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एक मार्किंग लगाना है 3 इंचेस पे, तो वो लगा लिए। और इसकी हमें लेंथ लेनी है 5.4 इंचेस, और इधर से भी लेना है हमें 3.3 इंचेस हम इधर से ले लिए। और यहाँ से अब हम इसको मिलाएंगे। इस तरीके से हमने इसको मिला लिया। अब इसमें हमें हार्ट शेप बनाना है। तो हार्ट शेप हम कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स, चलिए वो दिखाते हैं। तो हमें हार्ट शेप इसके बीचों बीच बनाना रहता है, तो वो हम देखिए कैसे बनाते हैं। तो वो हम इस तरीके से यहाँ से लेंगे, इस तरीके से यहाँ देखिए। तो अब इसको हम कटिंग करते हैं। हार्ट शेप हमें इसी तरह बनानी होती है। तो अब इसको कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने ये कट कर लिया। अब साइड साइड वाला कट कर लेते हैं, बिल्कुल बराबर से हाफ हाफ इंच हम छोड़ते हुए कट करेंगे। तो ये हमने हाफ हाफ इंच में छोड़ते हुए इसको रख लिया है, और इसको कट कर लेते हैं। ये तो ये हमने हार्ट शेप कट कर लिया है कुछ इस टाइप से। अब क्या करना है, इसको हमें फैब्रिक में लगाना है। इसको इस पर रख लिया है फैब्रिक पे, एक फैब्रिक हमें लेना रहता है सूट का ही, और इस पर हमने रख लिया है। अब इसको हम पकड़ के एक रफ स्टिच करते हैं इसी में। तो वो रफ स्टिच कर लेते हैं इस टाइप से। तो हमें इस तरीके से एक रफ स्टिच करना है। इस तरीके से हमने इस पर रफ स्टिच कर लिया है। अब एक्स्ट्रे धागे को हम कट करेंगे। तो यहाँ से हमने एक्स्ट्रे धागे को कट कर लिया है। अब एक्स्ट्रे वाले फैब्रिक को भी यहाँ से कट करेंगे। इस तरीके से छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। तो ये हमने कट्स लगा लिए हैं। अब इसको साइड साइड से मोड़ लेंगे, इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो वो अब करके सिलाई को लगा लेंगे बिल्कुल बराबर से। अब इस सिलाई को हमें बिल्कुल बराबर से लगा लेना है। तो वो लगा लेते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने इसको सब साइड से स्टिच कर लिया है। अब क्या करना है, धागे एक्स्ट्रे को कट करना है। अब इसको स्टिच करते हैं फैब्रिक में, कुर्तिया में। तो वो देखिए, तो हमें कुर्ती लेना है। इसमें हमें फ्रंट और बैक देख लेना है। उल्टा और सीधा, तो ये हमारा फ्रंट साइड है। तो अब इसको यहाँ पे इस टाइप से रखना है। यहाँ पे हमें कॉलर लगानी है, तो मैं यहाँ पे रख रही हूँ इस टाइप से। और एक कच्चा सिलाई पहले लगा लूँगी, फिर एक पक्का सिलाई लगाऊँगी। फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने इस पे कच्चा सिलाई एक लगा लिया है। अब क्या करना है, इसके साइड साइड से सिलाई लगाना है हार्ट शेप में। तो वो हम लगाते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से, और पूरे पे सिलाई लगाएंगे। इस टाइप से
टाइप से सिलाई को हमने लगा लिया पूरे में। अब यहाँ से हम कट कर लेंगे धागे को। तो ये हमने कट कर लिया, अब इसके बीच के कपड़े को निकाल लेंगे। इस तरीके से हम कट कर लिए हैं। हाफ हाफ इंच कपड़े को छोड़ते हुए पूरे को कट कर लेंगे। इस तरीके से हमने निकाल लिया, इसी तरह इधर का भी निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से हमने सारे कपड़े इसके निकाल लिए हैं और इसमें हम छोटे छोटे कट्स लगा लिए हैं इस टाइप से, बिल्कुल सिलाई छोड़ते हुए। तो हमने वो कट्स भी लगा लिया है पूरे में। अब इसको हम पलट लेंगे फ्रंट साइड की ओर। तो पलटते हैं, तो इसको हम पलट लेंगे बैक साइड की तरह बिल्कुल सफाई से। इस तरीके से हमें पूरे को पलट लेना है। देखिए इस तरीके से हमने इसको पलट लिया है। अब बैक साइड से आप चाहें तो ये सबको अब हेम कर सकते हैं। अब इसमें हम इसमें ये हमारा कॉलर वाला डिज़ाइन है, तो हमने फ्रंट पल्ले को ऑलरेडी रेडी किया हुआ है। तो हम इसको शोल्डर को ज्वाइंट कर लेंगे और कॉलर लगाएंगे। तो वो करते हैं, ये शोल्डर ज्वाइंट करते हैं। तो ये वाला हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है, ये नेक डिज़ाइन। ये भी सिंपल सा नेक डिज़ाइन, बहुत प्यारा, बहुत बेटर लग रहा है। तो इस तरीके से हमने ये फ्रंट वाले को बनाया हुआ है। ये आप जाकर इससे पहले वाली वीडियो को देखें, नहीं तो इसका लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हो। इसके आपको कटिंग और स्टिचिंग दोनों मिल जाएगी। तो अब इसके शोल्डर को जोड़ लेते हैं, ज्वाइंट लगा लेते हैं, फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो वो पहले हम शोल्डर ज्वाइंट करते हैं। तो हमने शोल्डर ज्वाइंट कर लिया है। अब इसमें हमें लगाना है कॉलर। तो वो कॉलर लगाने के लिए हमें यहाँ से यहाँ पे लगाना है कॉलर। तो कॉलर लगाने के लिए बकरम कट करते हैं, आते हैं इसमें कॉलर। तो हमने कॉलर पहले से ऑलरेडी रेडी किया हुआ है, तो अब इसको हमें अटैच करना है। तो वो अटैच कैसे करेंगे, तो वो देखिए। तो यहाँ हम इस तरीके से लेंगे और यहाँ इस तरीके से, और यहाँ से यहाँ सिलाई लगा लेते हैं और इसको पलट लेते हैं इस तरीके से। इस पर रख के पहले ज्वाइंट कर लेंगे। ज्वाइंट ऊपर से सिलाई लगाएंगे, तो ये सिलाई इस तरीके से लेना है। इसके ऊपर डालते हुए हमें इस सिलाई को लगा लेना है। तो वो हम यहाँ से लगा लेते हैं। इसी तरीके से इसके ऊपर से सिलाई को लगाते जाना है। एक सिलाई हम इसके ऊपर घुमाकर लगा लेते हैं। हमने कॉलर लगाकर हार्ट शेप नेक डिज़ाइन रेडी कर लिया। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, आप सबको भी जरूर पसंद आया होगा यह नेक डिज़ाइन। नेक्स्ट वीडियो में कौन सा डिज़ाइन आप सीखना चाहते हैं, आप मुझे जरूर कमेंट करें। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। इसी तरीके से कॉलर वाला नेक डिज़ाइन आप बना सकते हैं। ये बैक साइड का है, तो बैक साइड में बहुत प्यारा लग रहा है। तो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग को भी जरूर पसंद आएगा यह हार्ट शेप में। ये देखिए दिल जैसा कितना प्यारा है, कुछ इस तरीके से मैंने बनाया। कैसा लगा आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा कि ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।